मास्टर द आर्ट एंड साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंटीना इन जस्ट 30 डेज। यस, अगर आप ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 30 डेज एटमॉस्फेयर एंटीना चैलेंज। इस चैलेंज को जो भी स्वीकार करता है वो 30 डेज में हमने जिस हिसाब से उसका वीडियो और हमारा स्किल वर्कबुक बनाया है, अगर उस ट्रेंड को फॉलो करता है day 1 से day 30 तक, तो इजीली ऑन द 25th डे या 30 डेज के अंदर ही पूरा चैलेंज कंप्लीट करने पे वो एंटेना को अच्छी तरह से यूज कर पाता है। उसको उसकी साइंस, उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पता चल सकता है और उसके वेरियस वेवलेंथ जिस जो इंपॉर्टेंट होते हैं एक बॉडी की एनर्जी को स्कैन करने के लिए और एक वास्तु की एनर्जी को स्कैन करने के लिए, वो भी उसी को इस 30 डेज के चैलेंज में इजीली समझ में आ जाता है अगर वो उस ट्रेंड को फॉलो करता है day 1 से day 30 तक। क्योंकि हर दिन एक अलग अलग एक्सरसाइज और अलग अलग तरह से हमने इन वीडियो को डिस्क्राइब किया है और डिस्क्राइब किया है, जिसकी हमने 30 डेज चैलेंज की एक वर्कबुक भी बनाई है। जिसको आपको फॉलो करना है उसका रिलेटेड वीडियो देखना है और उसको आपको करना है प्रैक्टिकली एवरीडे। तो एवरीडे मिनिमम जिनके पास 15 to 20 मिनट्स और मैक्सिमम 30 मिनट्स है उनके लिए ये 30 डेज का चैलेंज है। क्योंकि अगर किसी कारण से आप ये 30 डेज में एंटेना को उस लेवल पे यूज नहीं कर पाते तो कुछ नहीं, आप ये पूरा 30 डेज का चैलेंज रिपीट कर लीजिए। लेकिन आपको ऐसे और काफी कंसल्टेंट्स है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जिसको जब 2004 में मैंने एंटेना सीखना शुरू किया था तो मुझे 1 साल लगा था। यस, इट टुक मी 1 ईयर जब मेरे हाथ में ये एंटेना हल्का सा वाइब्रेट या फिर थोड़ा ऊपर या नीचे हिलना डुलना शुरू हुआ था। लेकिन आपके हाथों में इस एंटेना का हिलना डुलना या वाइब्रेट होना आपको 1 साल नहीं लगने वाला है। ये मेरा 30 डेज का चैलेंज में है। अगर आप उस शिद्दत से कमिटेड और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हमारा 30 डेज चैलेंज को स्वीकार करते हैं और फॉलो करते हैं day 1 से day 30 तक, तो उसी 1 महीने के दौरान मैक्सिमम लोग, यस ऑलरेडी मैक्सिमम वास्तु कंसल्टेंट्स, हीलर्स, थेरापिस्ट, ऐसे काफी लोगों ने ऑलरेडी हमारा 30 डेज चैलेंज ले चुके हैं और ऑलरेडी उनके हाथों में ये ना ही वाइब्रेट ना ही अप एंड डाउन पर अच्छी तरह से मूवमेंट भी एंटेना दिखाता है। क्योंकि अब उनको वो सारे सीक्रेट्स पता है जो मुझे 2004 में नहीं पता थे। क्योंकि अब मैंने वो सारे सीक्रेट्स उनको मेरे ये 30 डेज के चैलेंज के वर्कशॉप में सारे सीक्रेट्स सारे चैलेंजेस बता दिए कि कैसे एंटेना को यूज करना होता है, कैसे इसे होल्ड करना होता है, क्या इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसीज है। यस, द इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसीज टू चेक द कॉस्मिक एनर्जी, टेलुरिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, टू चेक द 7 चक्रास, टू चेक द लिम्फेटिक सिस्टम एंड टू चेक द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एनी वास्तु कंसल्टेंसी, फॉर एनी प्रॉपर्टी, फॉर एनी ऑब्जेक्ट एंड इवन योर बॉडी। तो ये सारी प्रोफिशिएंसी एफिशिएंसी अगर आपको चाहिए, आपको अगर मास्टरी करनी है एटमॉस्फेयर एंटेना को लेके, तो हमारा ये 30 डेज चैलेंज आपके लिए है। अगर आप एफिशिएंसी नहीं है, अगर आप वो चैलेंज स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, अगर आप कमिटेड नहीं है, तो ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है और ये चैलेंज भी आपके लिए नहीं है। लेकिन ये उनके लिए जरूर है जिनको ट्रेंड में रहना है, जिनको आगे बढ़ना है, जिनको वास्तु कंसल्टेंसी में या अपने हीलिंग मोडालिटीज को बेस्ट लेवल पे लेके जाना है, 2024 के ट्रेंड में रहना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है। क्योंकि जो लोग बिजनेस समझ के अपनी हीलिंग या वास्तु कंसल्टिंग को चलाएंगे वही आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप इमोशनली फैक्टर होके अगर है ना सबको सिर्फ सेवा ही करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि सीखने के लिए आपको लगता है हार्ड कैश, और वो कैश आप तभी सब कमा पाएंगे जब आप अच्छे लेवल पे कंसल्टेंसी देंगे एंड एज अ बिजनेस उसको फॉलो करेंगे। तो ये 30 डेज चैलेंज उनके लिए है जो एफिशिएंट है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और जो कमिटेड है एटमॉस्फेयर एंटेना को रोज प्रैक्टिस करने के लिए और उनकी वो सारी एक्सरसाइज और वो सारे जो नियम हमने बताए उसको फॉलो करने के लिए। क्योंकि आपको पता है जो तबला वादन है, बड़े से बड़े उस्ताद लोग हैं जो ऑलरेडी इंटरनेशनली बड़े बड़े स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन वो भी रोज प्रैक्टिस करना नहीं भूलते हैं, तो आप किस खेत की मूली है। तो 30 डेज चैलेंज आपके लिए अगर आप कमिटेड है, अदरवाइज दिस इज नॉट फॉर यू। थैंक यू एंड वेलकम।